all of you. Start. Last day, what I given? Last day, up to which question number I given the answers? Tell Ma'am, me. life is still Value value-based. based questions. Okay. So now, yes. Okay. Now in page number 21. Page number 21. Page number 21. Question number B14. दिख रहा है बोर्ड? बोर्ड इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? B14 सेकंड. यस मैम. ओके. B14 के सेकंड का आंसर है ये. क्वेश्चन सुन लीजिए एक बार. ये वाला है, डिस्क्राइब द फाइट बिटवीन मनी एंड सोमू इन योर ऑन वर्ड्स. मनी और सोमू का जो फाइट है उसे अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है. ये वाला तो मैंने करवाया था मैम ना. इसे कॉपी में लिखना है, यस क्लियर कॉपी में मैम. यस इन इंग्लिश फेयर कॉपी. ये वाला आपने किया है नो बुक में, मैंने करवाया था ना चैप्टर एंड के बाद. मैम मैम, नो मैम. नो. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द आंसर, राइट दिस आंसर, देन आफ्टर देन आई विल गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आल्सो. मैं पहले सेकंड का बुक आंसर. देख सेकंड का बुक में कैसे करोगे बच्चे, बुक में इतना स्पेस कहाँ दिया हुआ, डिस्क्राइब करना है ना. सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखिए, नीचे में दो क्वेश्चंस दिया हुआ है, डिस्क्राइब द फाइट बिटवीन मनी एंड सोमू, सी इन द बुक, फिर इट इज गिवन ना. पहली पेज नंबर 21. ओके ओके, राइट डाउन. मैम. लाइट आ रही है, बोर्ड साइन B14 करने लगी. क्वेश्चन बुक में करना है. यस. ओके,
मैम साइड वेट बच्चे वेट, आई विल गिव यू टाइम। देर ओल्ड दे दो ना प्लीज, मैं क्या वो टेबल पे होगा पेन वही दो वही दो दे रहा है। वेट बच्चे वेयर एंड टुक देम टू द स्टार्टेड बीटिंग मनी के बाद क्या लिखा है? स्टार्टेड बीटिंग मनी बोथ बोथ रिटन है बच्चे। यहाँ तक आप लोग लिखिए। ओके डिक्टेट नाउ, आई एम आल्सो गोइंग टू डिक्टेट दिस आंसर। मनी एंड सोमू स्टार्टेड फाइट वेरी बैडली विथ इच अदर। मनी अटैक्ड सोमू बट सोमू प्रोटेक्टेड हिमसेल्फ एंड स्टार्टेड बीटिंग मनी। बोथ वर फ्यूरियस विथ इच अदर। दे रोल्ड ओवर इच अदर इन द फील्ड। देन हेडमास्टर केम टू देम। He separated and took them to the office. इसके आगे और भी आंसर है, ओके? पहले इतना लिखिए। बोर्ड क्लीन नहीं है? सबकी तरफ यही है क्या? मैं मनी के पास। अभी क्लीन है? क्लीन है बच्चे? बोर्ड?
क्लियर। तो जिस जिनकी तरफ क्लीन नहीं होगा मे बी उनकी तरफ नेटवर्क कैसे होगा। बोथ लिखा है आफ्टर मनी बोथ। बेटा मेरे नाम बोल नहीं नजर आ रहा। आई हैव डन मैम। हैव डन मैम। मतलब यहाँ तक सारे बच्चे लिख लिए हो? इरेज करो। ओके नो ओके मैम नीचे। नो मैम ओके बच्चे ओके लिखिए लिखिए। मैं ऊपर वाले इरेज कर रही हूँ ठीक है। दो टू टू थ्री लाइंस है मेरे से। ओके उसी क्वेश्चन का है बच्चे। यस ये वाला जो है ये लाइन यहाँ पे जो एंड हो रहा है ये कंटिन्यू होगा यहाँ से और यहाँ तक एंड होगा। ओके ओके नाउ राइट दो। आई हैव डन मैम। आई हैव डन मैम। ओके ऑल ऑफ यू डन। मैम यस मैम। ओके सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस आंसर राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड इन पेज नंबर 21। देयर इज आल्सो अ थर्ड क्वेश्चन नंबर गिवन गिवन यू हैव टू राइट अ नोटिस। वेट थर्ड नॉट थर्ड क्वेश्चन नहीं करना था इन्हें। थर्ड क्वेश्चन नहीं करना है। इसमें एक नोटिस है बच्चे 27 में एक नोटिस है। वेट करिए एक नोटिस भी करवाना है आप लोगों को।
थर्ड का नहीं बनवाएंगे, थर्ड का नहीं करवाना है बच्चे। ठीक है मैम। सलवन सब नीचे है, उजार का बोथिया में एगो पलोथिन वहां में आवे थी। और उजार का प्लास्टिक वाला ना है मिठाइयां वाला डिब्बा मिठाई है, ऐसी तो है ओके। इसके बाद आप लोगों को करना है B13। मैम बुक में ना डाले वो मैम ही चाहिए, और खाली हो गया है तो मैम मंगरेला जरवे में है। मैम बुक में करना है। यस बच्चे बुक में करना है। आप लोग ट्राई करिए, उसके बाद मैं आंसर बताती हूँ। पेज नंबर 19 हुआ है बच्चे, 18 और 19 में जो फिलअप दिया हुआ है। एक मैच दिया हुआ है। नो मैम। ओके इन सारी चीजों को कंप्लीट कर लीजिए आप लोग। रिटर्न मैम B10। मैम B10। B10। ओके यस मैम। मैं बता रही हूँ कौन सा करना है, अभी मैं बताती हूँ, वही करिएगा आप लोग। आप लोग ओपन करिए पेज नंबर 16। आप लोगों ने ये बुक में फिल किया है, देखिए तो। यस मैम। यस मैम। ये वाला फिल किया? यस मैम। यस मैम। कर ली है। ओके। यस मैम। चलिए। देन आप भी हो गया 17 भी। 18? 18 का ये वाला किया? B10? यस। B10 कर रही है। नो मैम। नो मैम। ओके। मैम ओके। No, in book, not in the copy. Thank you.
मैम प्लीज साइड। ओके नाउ इन पेज नंबर 19। डन मैम। डन मैम। रमिंदर एंड सुभाष आर सी इन पेज नंबर 19 आफ्टर दे रवि रमिंदर एंड सुभाष आर क्या हो जाएगा यहाँ पे स्वान एनिमीज। साइड मैम। वेट Not right. सब तो देख सकते हैं मेरा नहीं बना है। कंप्लीट करिए पेज नंबर 18 और 19 इन बुक। मैम हो गया। ओके नाउ टर्न द पेज नंबर 20। 20, yes. Here it is in page number 20. See the question number A13. A13 question number, फिर आप देखिएगा. Here it is given where we use excuse me. एक्सक्यूज मी का यूज हम कब करते हैं आप समझिएगा। व्हेन यू पास इन फ्रंट ऑफ समवन और व्हेन यू वांट टू गेट समवन्स अटेंशन। जब आप किसी के पास से किसी के फ्रंट से क्रॉस करते हो या फिर किसी को के प्रति अपना अटेंशन किसी को अटेंशन देने की कोशिश करते हो किसी का अटेंशन चाहिए होता है तो हम क्या बोलते हैं एक्सक्यूज मी होता है ना। मान लीजिए हम कहीं जा रहे हो बीच में कोई हो रास्ते में तो हम क्या कहते हैं उनको एक्सक्यूज मी प्लीज साइड कहते हैं। Okay. I beg you your pardon. I beg your pardon. ये कब हम use करते हैं? When you did not hear someone properly and when you want him to say it again. किसी का पहली बार नहीं जब किसी ने कुछ कहा हो और तुम उसे अच्छे से सुन नहीं पाए हो और उसे अगर कहना हो कि फिर से आप इस चीज को रिपीट करिए। जैसे मैं कभी कभी पढ़ाती हूँ आप लोग नहीं समझते हो तो कहते हो ना मैम फिर से आप समझा दीजिए प्लीज मैम रिपीट इट अगेन। बट उसके पहले एक हम लोग यूज करेंगे एक्सप्रेशन आई बेग योर पार्डन थैंक यू वेरी मच। इसे कब यूज करेंगे व्हेन समवन हैज गिवन यू समथिंग और डन और काइंड ऑफ डिड टू यू। जब कोई हमें कुछ देता हो ठीक है या कोई हमारे लिए कुछ काम करता हो हमारे तो उसे हम क्या बोलते हैं थैंक यू वेरी मच। नॉट एट ऑल इट्स अ प्लेजर यू आर वेलकम ये कब हम बोलते हैं व्हेन Someone thanks you for doing something for him. जब कोई thanks बोलता है उसके बाद का ये response है क्या बोलते हैं not at all आप ये भी कह सकते हैं it's a pleasure और if you are welcome. So now here in page number 20 a question is given. Did you drop this money? तो क्या होगा इसमें excuse me did you drop this money? Second lady. And in third, read first of all, read the third sentence. I said, excuse me का meaning दिया हुआ है बच्चे ऊपर में देखिए आप B13 में first में लिखा हुआ है ना excuse me. I beg. Okay. So now write down. Can I erase this? Erase yes, करूं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am.
फर्स्ट में भरिएगा एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, इन सेकंड यू फिल आई बेग योर पार्डन, एंड लास्ट टू जो है ओह थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच. एंड एट लास्ट नॉट एट ऑल, यू आर वेलकम भी फील कर सकते हो, नॉट एट ऑल भी फील कर सकते हो, इट्स अ प्लेजर भी फील कर सकते हो, वॉट एवर यू लाइक जस्ट राइट हियर, नॉट एट ऑल. ओके आई एम डन मैम. ओके इफ यू हैड डन नाउ इन क्वेश्चन नंबर बी 14 मैम पेज नंबर 21. Yes, now in page number 21, question number first. Here it is given about some words about Swami and money. Swami ke baare mein likha hai, money ke baare mein. Hmm. अच्छा बता सकते हो इसमें से कौन कौन सी क्वालिटी स्वामी की होगी और कौन कौन सी मनी की? मैम नॉटी होगा स्वामी का. इमोशनल ऑल्सो, इमोशनल, सोरोफुल. इरेज कर दूं बच्चे इसे? यस मैम. यस मैम. इस नंबर बी 21 and be 14 first Swami. Ma'am naughty, emotional, sorrowful, angry. Sorrowful. Naughty. Angry, emotional, loud भी बहुत है, वो बहुत गुस्सा कर रहा था, है ना? Yes, sorrow. Loud. दुख से भी. यस वेरी गुड. सोरोफुल मैम. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट. वन टू थ्री फोर फाइव. और क्या हो सकता है? अनहैप्पी भी था. अनहैप्पी था ना? यस मैम. वो टेल वर्ड पढ़ने के बाद तो वो अनहैप्पी ही हो गया, इमोशनल भी हो गया था. उसके बाद वो नॉटी भी था, उसको गुस्सा भी आया, एंग्री. मैं प्राउड. प्राउड. ठीक है. प्राउड. स्केयर्ड होगा. स्केयर्ड. स्केयर्ड कौन था, मनी या फिर स्वामी? मनी. सिंपल भी हो जाएगा इसमें, ठीक है ना? सिंपल. ओके मैम सिंपल भी.
सिंपल। अब मनी में लिखिएगा। मनी क्या था? काफी जिद्दी था। हॉटी, नॉटी अलग होता है, हॉटी अलग होता है, ठीक है। नॉटी का मतलब था बहुत शरारती, ठीक है, बहुत शरारत जो करते हैं। हॉटी का मतलब बहुत जो जिद्दी होते हैं। स्केयर्ड, इरेशनल, हेजिटेट, वीक, ओके बच्चे, एट फिल करना है ना आप लोग, 1 2 3 4 5 6। हार्श, मैम एक और बची है। इरेशनल, इरेशनल दान ना। स्केयर्ड, रिटर्न, यस मैम, सिंपल, हार्ट्स, इरेशनल, इम्पोलाइट, हेजिटेट, हेजिटेंट, वीक, ओके, रहने दीजिए इतना ही। ये जो सिंपल तो वो स्वामी था है। सो बच्चे, नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। क्या बच्चे, क्या बोल रहे हो? मनी में एक बच रहा है। बट एड बॉक्स में तो नहीं ना दिया हुआ है बच्चे। अब कोई भी वर्ड बचा हुआ नहीं ना एड बॉक्स में, रहने दीजिए। ओके, सो नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीटेड एंड आई वाज गिवन इन द क्लासरूम। योर होमवर्क इज टू लर्न क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 1 एंड 2। इन चैप्टर 1 नंबर ऑफ क्वेश्चन आर वेरी लेस, सो आई गिवन सम क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 2, B6 एंड B7। First of all, you learn B6 and B7. Tomorrow, I will listen. Yes. Okay. After that, you will do value-based question and one more question which I given today, na? उसके बाद वो वाला करोगे. पहले B6 और B7 को learn कर लोगे अच्छे से. Okay. मैम, B6 और B7 ही. Yes, B6 and B7. Okay. Yes. Application में. एप्लीकेशन तो करना ही है, वो तो चैप्टर 1 में ही है आपके। यस मैम। सो राइट होमवर्क ऑल ऑफ यू रिटन इन द कॉपी ना, इन द डायरी, सॉरी, इन द डायरी। लर्न क्वेश्चन आंसर, ओके, ऑल्सो एट दैट लर्न B6 एंड B7 क्वेश्चन नंबर of chapter 2. Okay. All of you written? Yes, ma'am. Okay, so class, goodbye. Bye, ma'am. Bye. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am.